जो इलास्टिक कोलिजन अभी हमने स्टार्ट की थी उसमें ये वाला पार्ट हमने कर लिया, ये पार्ट भी हमने कर लिया, टाइप ऑफ कोलिजन हमने कर ली। इलास्टिक कोलिजन में ये 1, 2, 3 इक्वेशन हमने बनाई थी, ठीक है। हम वापस चलते हैं इसी के ऊपर। इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमने क्या इक्वेशन बनाई थी, एक मोमेंटम कंजर्वेशन किया था, एक हमने काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन किया, हमने इन्हें डिवाइड किया, डिवाइड करके आपके पास एक इक्वेशन नंबर 3 आई थी, थर्ड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन में v वाली टर्म्स, फाइनल वाली टर्म्स एक तरफ और u वाली टर्म्स एक तरफ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, v2 - v1 = u1 - u2। तो अब इस केस में एक चीज बताओ कि अगर मान लो फर्स्ट बॉल मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ u1, सेकंड मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ u2 आफ्टर कोलिजन v1 और आफ्टर कोलिजन v2, तो जब ये इसे टक्कर मारने जा रही है तो पहले u1 बड़ा होगा और u2 छोटा होगा, तभी टक्कर मारेगी। अगर कम वेलोसिटी होगी तो टक्कर कैसे लगेगी। तो इसमें ये इस बॉल को क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। तो क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। और अगर मैं ये पूछूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब बड़ी वेलोसिटी में से छोटी वेलोसिटी को माइनस करना। तो बड़ी वेलोसिटी क्या है u1, छोटी वेलोसिटी क्या है u2, तो ये टर्म क्या कहलाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पास आने की रिलेटिव वेलोसिटी। टक्कर होने के बाद क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर चुकी है, तो ये आगे भागेगी, ये पीछे रह जाएगी। तो अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, सेपरेट। तो अगर मैं कहूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालो, तो बड़ी वेलोसिटी में से छोटी वेलोसिटी को क्या कर देना है, माइनस। तो अगर मैं बोलूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, तो u1 माइनस u2। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, v2 माइनस v1। तो अगर आप थर्ड इक्वेशन से ये इक्वेशन को चेक करें तो ये क्या टर्म है, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है, सेम। और अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को इसके नीचे ले जाऊं डिनोमिनेटर में, तो रेशियो क्या जाएगी, 1। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की रेशियो क्या है, 1। तो यानी कि v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 की रेशियो क्या है, 1। इस रेशियो को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि इस रेशियो को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसका सिंबल होता है ई। तो फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, ये बताता क्या है, अभी एक्सप्लेन करूंगा ये है क्या चीज। तो ये क्या टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके कोई यूनिट्स नहीं है। ये आपको ये बताता है, रेस्टिट्यूशन की वैल्यू आपको ये बताएगी कि आपकी कोलिजन किस कैटेगरी की कोलिजन है। आपकी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है, या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, नंबर देख के बता सकते हैं आप। जैसे अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में E1 गिवन है, तो रेस्टिट्यूशन 1 गिवन है किसका, परफेक्टली इलास्टिक का। ये तो हम प्रूव ही कर रहे हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का ई क्या होता है, 1। तो 1 का मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, ठीक है, ये तो मैथमेटिकली प्रूव ही कर लिया हमने। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई अगर 1 है तो यानी कि कोलिजन कौन सी है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। उसी तरीके से अगर मान लो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती थी, जिनमें सेपरेशन नहीं होती थी, या फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम होती थी। जैसे मान लो एक मिट्टी ने, वो बॉल ने, मिट्टी वाली बॉल ने ग्राउंड को हिट किया, तो ग्राउंड की वेलोसिटी क्या थी, 0। तो उस मिट्टी की वेलोसिटी भी क्या हो गई, 0। दोनों की फाइनल वेलोसिटीज क्या हो गई, 0, कोई मूव ही नहीं कर रहा। तो v2 v1 के क्या हो जाएगा, इक्वल। बुलेट वाला एग्जांपल ले लो, बुलेट ने ब्लॉक को हिट किया, हिट करने के बाद दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो v1 v2 कॉमन वेलोसिटी है दोनों की, सेम हो जाती है। तो यानी कि v1 अगर v2 के इक्वल है तो रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या जाएगी, न्यूमिनेटर कैंसिल हो गया तो क्या जाएगी, 0। तो अगर आपका किसी न्यूमेरिकल में रेस्टिट्यूशन 0 है, इसका मतलब वो कोलिजन में 100% एनर्जी लॉस है,
दो बॉल्स की सेपरेशन बिल्कुल नहीं होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। और अगर आपका ई जीरो और वन के बीच में फ्रैक्शन है, फिर समझो आपकी बॉल 10 मीटर पे गई थी और 4 मीटर पे या 5 मीटर पे वापस आ रही है, इन इलास्टिक कोलिजन है। तो ना तो वो परफेक्टली इलास्टिक है, ना वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, वो कहीं बीच में कोलिजन है। और न्यूमेरिकल्स में ई की वैल्यू आपको गिवन होती है, तो ई हाफ है, 1/3, 1/4 है, जो भी होगा वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। तो अगर ई फ्रैक्शन में है, इसका मतलब वो इन इलास्टिक कोलिजन है। क्लियर है यहां तक? तो तीन कैटेगरी की कोलिजन की हमने, जिसमें एनर्जी लॉस नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक ई वन है, जिसमें 100% एनर्जी लॉस है, बॉडी चिपक ही जाएगी, ई जीरो है, और बीच की कोलिजन के लिए ई जीरो और वन के बीच में है। तो अब हम एक काम करते हैं, ई को यूज करके देखते हैं कि ई को यूज करना कैसे, इसकी एप्लीकेशन कैसे है।